आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, दो कदम चलाया यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में, देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने। अरे करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात। हिंदू धर्म की रीति है जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते, क्या लाते हैं, भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले दो बूंद लाओ, चार बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल, बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा, भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती। शिव जी को जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा, शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ा कर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा, भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा, भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है, जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता है मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए वो भर कर जाए, भले दो बूंद लेकर आओ पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को
शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है, वो पवित्र गंगा जल बनता है।